भाजपा कार्यालय की जमीन खरीद मामले में आरोपी पूर्व पार्षद मनीष कुमार की प्रेस वार्ता के बाद पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने भी मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय की जमीन खरीद मामले में हुए फर्जीवाड़े से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे तो काफी समय पहले क्रय कमेटी से बाहर निकल चुके थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि जमीन खरीद मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वे इस कमेटी के सदस्य थे और उनके अलावा विधायक केएल ठाकुर, रतनपाल भी इस क्रय कमेटी के सदस्य थे। पवन गुप्ता ने कहा कि भाजपा की जमीन खरीद मामले में उनका कोई नाता नहीं था, बल्कि उन्हें शुरुआती दौर पर इस क्रय कमेटी का सदस्य बनाया गया था, लेकिन वे कुछ समय बाद इस कमेटी से बाहर निकल चुके थे और जो आरोप प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व पार्षद मनीष कुमार ने उन पर लगाए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वे 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं और कभी भी उन पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, इसलिए उन पर कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विवाद में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस खरीद मामले की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। सोलन जिला कार्यालय भूमि खरीद मामले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे आज 40 साल काम करते हो गए और मेरा दामन बिल्कुल पाक साफ है और किसी भी विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते। और ये मामला अभी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के ध्यान में है और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कोई आरोप लगाने से पहले उसको अपने दामन को देख लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इस जमीन घोटाले में जो भी दोषी हो उसको हमारी सरकार और हमारी पार्टी अपने स्तर पर उस स्तरीय विजिलेंस जांच या और जांच जो भी बनती है वो की जाए और इसमें जो भी दोषी हो उसको इसके सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का एक एक रुपया जोड़ के ये भूमि खरीदी जानी है। और मेरा ये मानना है कि इस भूमि विवाद में हमारी भूमिका कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इसमें जो खरीद क्रय जो टीम थी वो कोई और थी और इस जो 118 की परमिशन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी उसमें जिला के उत्सम के अध्यक्ष और विधायक केएल ठाकुर जी थे, रतनपाल जी इसके सदस्य थे और मैं भी इसका एक सदस्य था। लैंडलेस का एफिडेविट उन्होंने बनाया था वो केएल ठाकुर जी के पास भिजवाया, ना कि सोलन के स्थानीय नेताओं को इन्होंने दिया था। तो मेरा मानना है कि इसमें जो इन्होंने नाम लिए हैं वो उनकी भूमिका कुछ नहीं थी, सारी भूमिका इन्हीं की थी।